तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं पांच पौली के पास में, जो क्वारंटाइन सेंटर बना है NMC का, जो हॉस्पिटल है वुमेंस मैटरनिटी सेंटर, जो यहाँ पर कमाल चौक के पास में है, वहाँ खड़े हैं। यहाँ पर NMC और असरा फाउंडेशन की तरफ से जो कोविड सेंटर खोला गया है, दावत इस्लामी के साथ में जो कोविड सेंटर खोला गया है, तो आइए जानते हैं हम यहाँ पर मैडम से कि यहाँ पर स्थिति क्या है, पेशेंट यहाँ पर कितने आए थे और ये कोविड सेंटर कब से खोला गया है। मैडम, सबसे पहले आपका तत्काल न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मैडम, डॉक्टर नेहा शाह ने। तो बताइए मैडम, यहाँ पर कि ये कोविड सेंटर कब से खोला गया है यहाँ पर? 15 तारीख से इट हैज़ बीन ओपन टू पेशेंट्स। 15 तारीख बोलो, 15 मई से। 15 मई, अभी 11 दिन ही हुए हैं। अब तक के 13 एडमिशन्स हो चुके हैं अपने पास, 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2 डिस्चार्ज कल प्लान्ड है अपने। जो 13 आपके पास में एडमिट हुए, तो उनका स्कोर कितना था मैडम? स्कोर तो सब 11 के ऊपर ही आए अपने पास, तो ऐसे ही पेशेंट आए 11 के ऊपर, उसमें से 2 हो गए डिस्चार्ज, अभी 2 कल हो जाएंगे। हाँ, अभी 7 एडमिशन है अपने वार्ड में। और मैडम, आप ये बताइए कि यहाँ पर ब्लैक फंगस का अभी जो मतलब सुना जा रहा है, जैसे अभी इतनी महामारी पहले ही कोविड की चल रही थी और उसमें एक नया खतरा और यहाँ पर महाराष्ट्र में मंडरा रहा है ब्लैक फंगस, उसके बाद में व्हाइट फंगस, और आज तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये और येलो फंगस भी आ गया है, तो इसके बारे में आपको जो राय देना चाहेंगे मैडम? उसको जितना अर्ली डिटेक्शन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जो कोविड सेंटर्स है, जैसे जितने अर्ली वो लोग डिटेक्ट करेंगे सिम्टम्स के हिसाब से, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होएगी और उतनी जल्दी डिब्राइटमेंट होएगा पेशेंट का, जो उसको निकालना पड़ता है फंगस को। तो मैडम, ये ब्लैक फंगस किस वजह से हो रहा, कुछ इसका आइडिया है किस वजह से? तो अभी बहुत सारी वजह जो सब डिस्कस ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स, लेकिन जितने अपने स्टडीज हुए उस हिसाब से तो कोरोना वायरस ही कुछ ऐसे बदलाव कर रहा है हमारे शरीर में जिससे वो फंगस हो रहा है। सर, आप अपना नाम बताइए। सर, डॉक्टर अब्दुल अजीज सोलंकी, असरा फाउंडेशन। जी सर। तो सर, यहाँ पर आप और क्या इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पर पेशेंट के बारे में? ये जो पांच पौली वुमेन्स BCSC सेंटर शुरू हुआ है, ये NMC के सौजन्य से शुरू हुआ है। यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो NMC से दी जा रही है, उसके साथ में असरा फाउंडेशन और दावत इस्लामी मिलकर इस हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स के स्टाफ, नर्सेस के स्टाफ और नागपुर महानगर पालिका से हमको इसमें पूरा सपोर्ट मिला है, डॉक्टर्स का मतलब सैलरी वगैरह और यहाँ पर मेडिसिन वगैरह सभी चीज़ें और पेशेंट्स को खाना वगैरह वो सब NMC से आ रहा है। उसके लिए हम NMC कमिश्नर साहब, हमारे जो नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब है अपना राधा कृष्णन साहब, उसके अलावा हमारे जो नागपुर महानगर पालिका के महापौर साहब है और राम जोशी साहब और जो भी अधिकारी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम यहाँ पर खिदमत करें कोरोना के पेशेंट्स की। अभी हमारे सेंटर्स में 13 पेशेंट, मैम ने जैसे बताया, मैम यहाँ पर अभी डॉक्टर नेहा शाह ने, मैम जो है MD Anesthesia है और यहाँ के मतलब हेड है, मैम के सुपरविज़न में ही पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पेशेंट्स का हो रहा है और यहाँ पर अभी 13 पेशेंट्स हैं और वो पेशेंट्स को तकरीबन मेडिसिन वगैरह हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी फ्री हो रहा है, मेडिसिन वगैरह भी NMC से फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्री है। और हम यही कोशिश करेंगे आपके माध्यम से, हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जब गवर्नमेंट से ऐसी फैसिलिटी दे रही है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, मतलब 24 घंटे MBBS डॉक्टर्स ड्यूटी पे यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो हम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स फैसिलिटी दे रही है, हमारी नागपुर महानगर पालिका फैसिलिटी दे रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सर, ये अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस मतलब बहुत ज़ोर से मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी पैर पसार रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए लोगों को मतलब क्या डिकॉशन लेना चाहिए, कुछ आपकी तरफ से ये राय रखना चाहेंगे सर आप पब्लिक के लिए? देखिए, कैसा है कि अभी जैसा मैम ने बताया कि हमारे यहाँ भी अर्ली डिटेक्शन हुआ है, हमने एक पेशेंट्स को, यहाँ पर एक पेशेंट्स आए थे जो जिनको सिम्टम्स थे मेकोमाइकोसिस के, तो मैम ने उनको डायग्नोस करके यहाँ से IGMC रिफ़र किया और गवर्नमेंट इस पर जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है और जो मतलब यानी ट्रीटमेंट
के लिए मतलब ज़्यादा जगह जगह सेंटर्स खोल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो कोविड के पेशेंट्स हैं और पोस्ट कोविड में अगर उनको इस टाइप्स के कुछ भी सिम्टम्स अगर अर्ली स्टेज में लगता है तो वो उसमें डिले ना करते हुए जितने जल्दी हो सके उतने गवर्नमेंट्स के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर म्यूकोमाइकोसिस के ताल्लुक से डायग्नोसिस शुरू है वहाँ जाके जल्द से जल्द वो उसको डायग्नोस करें, पता करें और अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करें। सर, आपके मेडिकल टीम की तरफ से इसके ब्लैक फंगस के बारे में कुछ तैयारी है, अभी कुछ तैयारी की है या नहीं की है? ये तो सर आपको अभी हमको तो यहाँ पर DCSC सेंटर्स के लिए परमिशन दी गई है, अभी हम यहाँ पर कोविड के जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को ले रहे हैं और म्यूकोमाइकोसिस के ताल्लुक से अभी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं आया, इंस्ट्रक्शन नहीं आए, जब NMC से अगर आएगा तो उसके बारे में फिर बताएंगे। क्योंकि सर हम सूत्रों के हवाले से हमें ये सुनने में आ रहा है कि समझना ये भी बीमारी बहुत मतलब गंभीर है और कोरोना से भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक बीमारी है ये, तो इसके अंदर सर सुनने में ये भी आ रहा है कि दवा की बहुत किल्लत है, इंजेक्शन की बहुत किल्लत है और कोर्ट ने भी मतलब मेडिकल वालों को जो मेडिकल लाइन के लोग हैं उनको मतलब ये दिया इंटीमेशन कि जल्द से जल्द ये दवा प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इसमें अभी आप अपनी कोई दो राय देना चाहेंगे सर कि दवाई के बारे में और दूसरा ये पेशेंट कहाँ कहाँ पर एडमिट होना चाहिए? देखिए इसमें कैसा है कि नागपुर महानगर पालिका और हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग इसमें बहुत मतलब यानी वर्किंग कर रहे हैं और जगह जगह सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं। तो मैं सभी जनता से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस टाइप का कुछ उनको प्रॉब्लम्स होता है तो वो जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो सेंटर्स खोल रहे हैं वो वहाँ जा कर के अर्ली स्टेज में जितने जल्दी हो सके उसका इलाज करें। ठीक है, धन्यवाद सर। सर अपना नाम बताइए। मैं सर डॉक्टर आबिद खान। डॉक्टर आबिद खान, तो सर आप अपनी राय रखिए सर कि जैसे अभी मैंने इनसे भी सवाल किया तो आप अपनी तरफ से राय रखिए और यहाँ पर हमने जो पेशेंट आए उसमें से बताया गया कि कुछ पेशेंट डिस्चार्ज भी हुए यहाँ पर, तो सर ऐसे पेशेंट को मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में ये जब घर पे जाएंगे तो इनको होम क्वारंटाइन मतलब रखेंगे ये लोग, तो उनके लिए भी आप मैसेज दीजिए कि ये होम क्वारंटाइन रहने के बावजूद भी लोग बाहर घूमते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, हम तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि पेशेंट को रोक के रखें क्योंकि हमारे पास अभी बेड अवेलेबल है, लेकिन पेशेंट जिद करता है कि हमको डिस्चार्ज दे दीजिए तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप होम आइसोलेशन रखिए, 14 डेज़ के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, 14 डेज तक आपको घर में रहना है, हम उनको होम आइसोलेशन का एडवाइस करते हैं। जी सर, और जैसे मैडम का गाइडेंस रहता है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। सर ये जो होम क्वारंटाइन में जो पेशेंट रहते हैं तो ये अगर घर पे नहीं रहते और बाहर घूमते हैं तो सर इसमें दूसरे लोगों को कितना खतरा है? तो वही है, वो उसमें उसके लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स जो निकाले हैं, अभी होम आइसोलेशन नहीं कर दिया गवर्नमेंट्स, तो उन्हें CCC में आपको शिफ्ट करना है वैसे पेशेंट्स को, तो हम वही गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे अभी। और सर सुनने में आया कि यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट भी खोला गया है, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही थी बीच में, कालाबाजारी बहुत हो रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर प्लांट खोला गया है, तो सर ये प्लांट की क्षमता कितनी है, रोज़ के कितने रिफिल होंगी इसके लिए? इसकी लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, 6 किलोलीटर कैपेसिटी है और ये अच्छे खासे दिन चलेगा और जो उसका मेथड है उसमें यूजुअली जंबो सिलेंडर लगेगा नहीं, लेकिन उसकी भी अपने पास तैयारी है तो उसके कुछ खर्चा नहीं लग रहा है पेशेंट को, खर्चा नहीं लग रहा नहीं। तो मैडम ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्लांट जो लगा है तो ये ऑक्सीजन यहीं पर यूज़ किया जाएगा या आपके पास में अगर से बचता है अवेलेबल और ज़्यादा है स्टॉक उसका तो ये किसी और हॉस्पिटल में भी आप देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जिसको ज़रूरत पड़ रही है अभी? तो नहीं, ऐसा फैसिलिटी नहीं है, वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है अपने पास और उसकी पाइपलाइन लगती है वहाँ से। अच्छा, पाइपलाइन लगती है, यहाँ पर रिफिल भरने वाला नहीं बना है? पाइपलाइन है जो अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो रहा है हॉस्पिटल के लिए, मतलब ये काफ़ी होगा मतलब पेशेंट के लिए। ठीक है, धन्यवाद मैडम बहुत बहुत।